आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। मॉर्निंग टाइम हो गया है और आज मेरा पता है नाश्ते में क्या है? और मेरे बिहारी बाबू, जो कि मेरे हस्बैंड बिहार के हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि दही चूड़ा खाना है। मैंने कभी भी नहीं खाया, 10 साल शादी को हो गए लेकिन मैंने कभी बनाया भी नहीं। मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। इन्होंने तो दही चूड़ा खाया, उसमें क्या बोलते हैं उसको, चीनी शुगर डाल के, हाँ शुगर डाल के खाया, और मैंने अपने में नमक डाल के खाया। ये देखिए, क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा दही चूड़ा खाया जाता है? अगर खाया जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे परफेक्ट रेसिपी बताइए। मैंने तो फिलहाल दही में और नमक और थोड़ी काली मिर्च डाल के, और अपने में चूड़ा, भीगे हुए चूड़े थे वो डाला है। हाँ हस्बैंड को जब दिया चीनी डाल के, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे ही होता है टेस्ट। तो आप मुझे अगर परफेक्ट रेसिपी जानते तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ट्राई करूँगी। ये है मेरा दही चूरा। खाती हूँ और फिर बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। नॉट बैड, थोड़ा थोड़ा वैसा टेस्ट लग रहा है जैसे चावल में लोग दही रख के खाते हैं ना, वो ही टेस्ट लग रहा है। मुझे तो वैसे ही लग रहा है, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ पर मुझे वही टेस्ट लग रहा है। दही चूरे में चीनी रख के खा रही है, उससे ही उसका एक्सपीरियंस लीजिए कि उसको चीनी में शुगर में कैसा लग रहा है। गाइस, शुगर विद दही चूड़ा सुपर। आई हैव नॉट ईटन दही चूड़ा फॉर आई एम ईटिंग फर्स्ट टाइम लाइक मम्मा दही चूड़ा। सो विद शुगर इट इज ऑसम, विद सॉल्ट इट इज ओके ओके, बट दिस इज सुपर। अच्छा, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मम्मी हैज स्टार्टेड द व्लॉग, नाउ आई एम स्टार्टिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। तो सुन लिया आपके, उससे उसको चीनी के साथ अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ये बताते हैं कि बिहार में जब कोई अच्छे काम करने के लिए जाए, जैसे अपने यूपी में क्या होता है कि दही और चीनी खा के जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये बताते हैं कि वहाँ पे दही चूड़ा में चीनी डाल के अच्छे काम के लिए निकलते हैं, तो यही खा के जाते हैं। क्या ये बात सही है? अगर मेरे सब्सक्राइबर में कोई बिहार से बिलोंग करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा है क्या सच में। तो मैंने तो आज सुना है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोग का नाश्ता। हालांकि वानी ने पहले मैगी खाई थी, ये बोली पता नहीं कैसा लगेगा, तो मैंने कहा आज यही थोड़ा हेल्दी हो जाता है तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ये मेरे से गुस्सा है क्या है? मुझे पता है थोड़ी देर के लिए गुस्सा होती है फिर सही हो जाती है। क्यों गुस्सा हो बताओ, सबको बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। बताओ बताओ। नहीं, मैं नहीं तो फिर बताऊंगी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं चलिए गाइस, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। ये तो कुछ बता नहीं नहीं रही। बताती हाँ बताती हूँ। हाँ देखिए, दिखाओ। रात को क्या हुआ था, मुझे आज आज मेरी स्कूल की छुट्टी थी, ठीक है, तो मुझे जाना था वॉक पे। मैंने पापा मम्मी से दोनों वॉक पे चलेंगे, मम्मी पापा ने दोनों चीख चीख के बोल लेते, हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे। सुबह 6 बजे का अलार्म भी लगाया था, कोई उठा ही नहीं। 7 बजे मैं उठी, ये उठ गई, पापा नहीं उठे, मैं दोनों से नाराज होके बैठ गई हूँ। ज्यादा देर के लिए नहीं है, इसका गुस्सा बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, पर मुझे संडे को चलना है, संडे को चलेंगे मॉर्निंग में। मुझे जाना है वॉक हाँ चलेंगे ना। में। गाइस झूठ बोल रही है आप लोग नहीं, इसके सामने, मैं इसे आपके अच्छा गाइस सामने देखिएगा, संडे को हम लोग जाएंगे, प्रॉमिस व्लॉग प्रॉमिस आएगा आपके पास प्रॉमिस मंडे मैं को। प्रॉमिस मांग रही हूँ कि आप चलो ठीक है वॉक पे मत चलो, हाँ सैटरडे को खेलने के लिए भेज दो। बिल्कुल नहीं, देखा कितना फायदा उठा रही है। इस टाइम मैंने इसको बाहर खेलने के लिए मना कर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने कहा एग्जाम्स हो जाए, 11th को लास्ट गाइस टाइम, सब खेलने जाने से 11th को मैं नहीं लास्ट जा टाइम, मैंने रही। कहा उसके बाद जाना। गाइस सबके एग्जाम चल रहे हैं पर मैं क्यों नहीं जा रही, सब आ रहे हैं बताइए। सब आ रहे हैं, आ रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ाई करते और होंगे। सारे लल्लू जैसे बाहर घूमते रहते हैं, हम तो कम से कम पढ़ाई तो कर रहे हैं। प्रॉमिस कीजिए नहीं आधे घंटे के नहीं लिए। पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद। बस तुम एग्जाम कितने दिन बचे बचे हैं? 11th को लास्ट है। आज कितनी हो गई है? आज 3 हो गई है। आज मैम का बर्थडे है, आज मुझे विश करना है मैम को, ठीक है, कर देना। मैं कर दूंगी। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आगे। ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा ये अपनी फरमाइशें करती जाएगी, जिसको मैं विश उसकी पूरी नहीं कर पाऊंगी पूरी। अब हो रही है हमारी चाय, कितने आराम से पड़ी। अब जेंट्स लोगों को कितना अच्छा लगता है ना, इन लोगों को कितना अच्छा होता है, आराम से बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, चाय मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है। हाँ
और हम वो लोग बाहर, को तुम लोग बढ़िया से बाहर से दूध आ जाता है, चाय पत्ती चीनी सब्जी आ जाती है। और हम लोग बताइए, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो तब भी करना पड़ता बैकिंग है, करनी पड़ती बैठे है। बैठे हाँ कुछ मिलता ही नहीं। कभी मेरे हस्बैंड कुछ हमको कभी चाय तक नहीं बना के दिए हैं। आई एम श्योर आप लोग के हस्बैंड चाय बना के आपको देते होंगे, मुझे मैगी बना के दी है। इन्होंने कभी नहीं दिया है। हमको सुख नहीं मिला है कि मेरे हस्बैंड अपने हाथ से कुछ बना के दे और सारी दुनिया की सारी खुशियां दे देते हैं। बस चाय पे शिकायत है, चाहे बना देंगे मजा नहीं आएगा ना तुम्हें। देखा बहाने, दो गिलास दो गिलास बढ़िया नींबू पुदीना डाल देना उसे भाई। तुम लोग का वीडियो हो रहा है। तो हम लोग बाहर आए थे थोड़े कुछ काम से और गर्मी बहुत है। अब पीना है हम लोग को गन्ने का जूस, ये नहीं पिएगी। मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मैं भी खाऊंगी, मैं पहले जूस तो मैं थोड़ा जूस भी पिएगी। तो हम लोग ने दो दो ग्लास ऑर्डर किए, तुमने क्यों नहीं किया? अरे पापा एक छोटा ग्लास भी ऑर्डर करवा दीजिए। पापा एक छोटा ग्लास तीन कर देना भैया, एक छोटा ग्लास भी कर देना, छोटा ग्लास बच्चे के लिए। आ गया ना मुंह में पानी, मैं लालच था, सोच थी एक ही चीज मिलेगी। मम्मी ने कहा दोनों चीज खाएंगे पिएंगे तो इसने भी बोला है। मैं दोनों चीजें खाऊंगी यार, तो मैं एक खाऊंगी एक पीऊंगी। फिर बाद में घर जाएंगे तब कुछ खाना खाएंगे। अभी हम लोग खाना खा के नहीं आए, मेरे सुपर स्टार खाना खा के आए। हम कह रहे हैं हम लोग खाना नहीं खाके ये खाना खा के आए घर से। बिजी पर्सन, बिजी पर्सन। जो 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 बड़े आ रहे हैं, एक बड़ा हम दोनों को चाहिए, ले लिया। गिरेगा मम्मा? नहीं गिरेगा भाई, अभी तुम्हारा आ रहा है। गन्ने का जूस वेरी रिफ्रेशिंग। बर्फ नहीं है ना? ठीक है, होना चाहिए था। अभी आइसक्रीम खाओगी ना तो बर्फ की कमी पूरी हो जाएगी। पुदीना डाला था भैया? पुदीना था, पुदीना डाला है इसमें। इसमें पुदीना कौन डालता है? अच्छा पर फ्रेश ना तो लगे था। फ्रेश है? अभी अभी गन्नी जो निकाल होते हैं। अभी पी पी फिर खाने जाएंगे आइसक्रीम। आई एम फर्स्ट। पीजिए पूरा, पीजिए पूरा। हेवी हो गया ना, छोटा ही लेना चाहिए था। और पीजिए, मन नहीं कर रहा भैया। पी लिए जैसे तैसे करके पर हमें मजा नहीं आया, इसीलिए बोला था छोटा ग्लास लेना, टेस्ट नहीं था, बेकार। गाइस मम्मी का मूड हो गया स्पॉइल, अब आइसक्रीम से देखते हैं अच्छा होता है कि नहीं। आइसक्रीम से होगा मुंह सही? अब आइसक्रीम खानी पड़ेगी, मुंह गंदा हो गया। बहुत ज़्यादा मीठा मीठा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मीठा था। आपको टेस्ट आया गन्ने के? तो नहीं अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ हो गया था मम्मी, वो स्पॉइल हो गया था मींस। अब हम लोग जा रहे हैं घर की साइड, पर मुझे खरीदी थी आइसक्रीम तो अभी मैं खाऊंगी आइसक्रीम। आई एम गोइंग टू ईट ऑरेंज बार। ठीक है बेटा, ये कैसे? नहीं नहीं ये नहीं चाहिए बेटा, एक वो दे दो स्टिक में। ऑरेंज बार, ऑरेंज बार दे। तुम आइसक्रीम का नाम याद करके आओ फिर दुकान लगाओ। अमरीकी अमरीकी आइसक्रीम रखे हो। हाँ तरीके कैसे मालिक का माल बिकेगा? हम महीना चौबीस रुपये का नाम बंदा उसको दिख ही नहीं रही है, आइसक्रीम भी नहीं दिख रही तुमको। नहीं दिखी तुमको? ऑरेंज बार नहीं मिल रही है। बस इसको चौको बार पता है। तो
बस नहीं नहीं और क्या, यही तो खाओ ना। नहीं बड़ी वाली। बड़ी वाली कहाँ मिलेगी फिर? क्वालिटी वाली। चलो भैया तुम्हारी नहीं खानी। सो गाइज मैं मुझे क्वालिटी वॉल्स की खानी थी, वहाँ की बहुत छोटी थी, क्वालिटी वॉल्स में बड़ी मिलती है, तो अब मैं क्वालिटी वॉल्स की खाऊंगी ऑरेंज बार। तो गाइज अब पापा ने ले लिए मेरे लिए ऑरेंज बार, मतलब उनको बोलने की ऑरेंज बार दीजिए, तो अभी वो मुझे ऑरेंज बार देंगे तो मैं खाऊंगी और दिखाऊंगी कितनी बड़ी होती है। और वहाँ की तो बहुत छोटी थी, और ये भी 10 रुपीज़ की है, वो भी 10 रुपीज़ की थी, तो क्वालिटी में फ़र्क था। और देखिए अब मैं ये वाली ऑरेंज बार खाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस अब मैं खोल रही हूँ पैकेट क्वालिटी वॉल्स, देखिए कितनी बड़ी 10 रुपीज़ में क्वालिटी वॉल्स की ऑरेंज बार। अच्छा यहाँ कॉपीराइट आ जाता, गाना चल रहा था इसलिए आवाज़ बंद। मम्मी कुछ बोल रही थी पर सुनाई नहीं। मम्मी ये बोल रही थी कि मुझे बहुत मीठा मीठा कर लग रहा था तो मैं नहीं खाऊंगी, यही बोल रही थी मम्मी। तो अभी मैं खाऊंगी और घर पहुंच के आपसे मिलते हैं हम लोग। घर अब जा रही हूँ खाना खाने, थोड़ा मुंह का टेस्ट सही करने के लिए, क्योंकि मुंह बहुत गंदा हो चुका है, बहुत गंदा टेस्ट था। गाइस मैंने जितने भी गन्ने के जूस पिए उससे ज्यादा ही खराब ये था, बाकी सब मुझे अच्छे लगे, पर ये वाला दो कौड़े करा। आई डोंट लाइक दिस गन्ने का जूस, आई लाइक दिस, बट मम्मी हैज नॉट ईटन। मैंने अपनी फेवरेट बैगन आलू की सब्जी बनाई है और अब मैं वही जा रही हूँ खाने, फिर मिलते हैं बाद में। ये देखिए घर की दही जमी हुई, इसको दे रहे हैं और रोना रोती है, हमको दही नहीं मिलती है। ये देखिए खाना, मेरा रिएक्शन नहीं दिखा पा, तो आज मैं आप लोगों को अपना रिएक्शन दिखा रही हूँ। मुझे घर की दही बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू मम्मी फॉर दिस डिलीशियस कर्ड। बाय बाय। मेरा खाना, मैंने रोटी ली और दो हरी मिर्च, मेरा मिर्च खाने का बहुत मन था और मैं ना मिर्च को ऐसे डिप करके नमक में तब खाती हूँ। और ये रहे मैंने बैगन आलू, और बैगन की ये मैं स्टिक डालती हूँ, मेरी मम्मी ने शुरू से आदत डाली है, तो ये और कोई नहीं खाता, इधर मैं खाती हूँ और मेरे मायके में मम्मी लोग खाती हैं, ये बहुत अच्छी लगती है, इसको लेग पीस मत समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये रही मेरी दही, अब गर्मी का सीज़न है तो दही ना डेली रहती है मील में मेरे, ठीक है। तो ये रही आज की मेरी थाली। ये जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये सारे वायरिंग के फ्रेंड्स हमारे किचन में हैं। ये जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये सारे वायरिंग के फ्रेंड्स हमारे किचन में हैं। मुझे 11 को फिनिश हो जाएंगे, फिर तुम लोग जाना खेलने। तुम लोग को वीडियो करने आए थे कि बच्चे कैसे शैतानी करते हैं। ये सारे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, देखिये बच्चे कहाँ से कहाँ कूदा कादी कर रहे हैं। गाइस अब मैं हूँ तो यहाँ मैं नहीं जाती, यहाँ मेरे दोस्त जा रहे हैं, ये सारे लड़के। तो अब हम लोग जा रहे हैं वाणी को ट्यूशन। हाय, अब हम लोग जा रहे हैं गाइस, फाइनली स्कूटी पे घूमने का मौसम आ गया, मेरा फेवरेट मौसम, फेवरेट मौसम आ गया स्कूटी में घूमने का। और क्या खाओगी बता दो? टिक्की और बताशे। टिक्की खाएगी, बताशे खाएगी, ऑर्डर बस कोटा फुल हो गई। प्लान हो गया है चेंज, जा रहे थे खाना भोग, बल्कि पहुंच चुके थे, बट हो गया है मूड चेंज, अब हम लोग जा रहे हैं अंसल की साइड। अब वहाँ देखिए क्या खा रहे हैं, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा तो हम लोग इतना भी शूट नहीं कर पाएंगे। वी होप सो, वहाँ पे अंधेरे की प्रॉब्लम ज़्यादा है, वी कैन शूट। जितना फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवाने हम लोग उतना शूट करेंगे, क्या खा रहे हैं वो भी शूट करेंगे। अब तो वी होप सो वी कैन शूट देयर। अंधेरा बहुत होगा, देखते हैं शूट करना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। और जो खाएंगे वो आपको जरूर दिखाएंगे, वो तो किसी भी हालत में आपके मुंह में पानी लाएगी ये, फिर आप लोग भी जाइएगा और विजिट करिएगा, खाइए वो दिखाऊंगी जरूर, दिखाएगी कहीं जब आप विजिट करिएगा विजिट।
अपनी मोबाइल की टॉर्च लाइट से निकाल दूंगी, मैं दिखाऊंगी। अच्छा यहाँ सामने आप देख सकते हैं वी मार्क है, सामने थोड़ा ऊपर ये सामने ये वी मार्क है जहाँ कपड़े मिलते हैं। हाँ, जैसे किसी को पता ही नहीं होगा कि वी मार्क होता क्या है। मैंने बाहर से अपना एक जैकेट लिया था जो ब्लू कलर का था, वो अंदर घुस चुका है, मैं खुद खा दी। वी मार्क एक हम लोग का सेफ्टी गेजर है, या कुछ भी खाने पीने के सामान है। बकवास करना सीखे तो मेरी छुटकू से सीखे। गाइज अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन गोल सिटी सोया चाप, जहाँ मैं अपनी मासी के साथ पार्टी करने आई थी, सेमी पार्टी। तो अब यहाँ सोया चाप कटवट रहे हैं, तो अब हम खाएंगे और आपको रिव्यू देंगे। हम लोग यहाँ खा चुके हैं, तो अभी हम लोग जो अभी खाने जा रहे हैं वो, अच्छा यहाँ मैं गई हूँ ऊपर टावर पे और यहाँ से कूदूंगी नहीं मतलब दौड़ के जो आते हैं। और ये आ गया हमारा क्रिस्पी सोया चाप जो मैं खाऊंगी, मुझे इतना स्पाइसी नहीं चाहिए था, बाकी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे इसीलिए। और बहुत अच्छा सोया चाप बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा। देखिए मैं कैसे खा रही हूँ पकड़ो, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। अच्छा ये था चटपटा वाला जो अभी आपको आपने पापा के हाथ में देखा। अब मैंने जो पिछली बार चटपटा खाया था वो बहुत ज़्यादा तीखा था, पर ये इतना तीखा नहीं था। तो अब सब मिलजुल के टूट पड़े हैं सोया चाप पे, अभी हम खाएंगे फिर आइसक्रीम खाएंगे। मैं खा चुकी थी पर अब फिर से खाऊंगी, मम्मी को खाने का मन था तो अब फिर से हम खाएंगे। पापा देखिए ऐसा होते ना खाना आया से अमूल में। कौन सी खानी है? यही खानी है। मैंने लिया ना मैंगो जैप, तो इसको भी यही चाहिए था। मम्मा की बहुत कॉपी करती है भैया, मैं नीचे लगा खा लूंगी जी। मम्मा की बहुत कॉपी करती हूँ, अच्छी लगी तो खा लूंगी। इनका ही बटर स्कॉच अपने मन को। This is better. वो था। Guys, I hope you like this our video. So if you like this our video, so hit like to our video. And I hope. अच्छा जिसने subscribe नहीं किया जल्दी subscribe and press the bell icon button that our notification comes to you. Our new vlog is uploaded. So bye bye. Stay safe. Stay healthy. अच्छा अगर आपने इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पर जाके आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।